हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और गाइस, आप लोगों को पता होगा मैं कुछ दिन पहले कम्युनिटी ऐप में एक पोस्ट दिया था रेडमी नोट 5 6 प्रो ऑर्डर करने का। तो फाइनली ये मेरे पास आ चुका है और इस बॉक्स को मैं अभी ओपन करता हूँ। ओपन क्या देख सकते हैं, इस बॉक्स का अभी ऑपरेशन हो चुके, फिर भी मैं खुद से पैकेज करवा लिया। और अभी चलते इसको ओपन करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ मेरा फ़ोन जो कि मैं ऑर्डर किया, और ये 15,000 लगा मेरे को। तो ये निकल गया, तो इसको अभी साइड में रखते हैं। तो देख सकते हैं फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया मैं और ये आज ही आया और मैं इसको ओपन कर चुका हूँ। उधर ही मैंने ओपन किया था क्योंकि अगर फ्रॉड हो जाए इसलिए मैं उधर ही ओपन किया और देख लिया। तो चलो इसको अभी मैं ओपन करता हूँ और मैं आपको इसका फोटो सैंपल और वीडियो सैंपल भी दिखाऊंगा। ये निकल गया, तो आप देख सकते हैं मैं इसको खुद से मतलब जो आती है वो गिलास विलास कुछ नहीं मिलता इसके साथ। तो इसको मैं अभी ओपन करता हूँ एंड फोन को देख सकते हैं। इसके साथ और मिलते हैं एक कवर जो कि इधर है, जो भी है इसको साइड में रख देते हैं। और इसके साथ मिलते हैं एक अडेप्टर, चार्जिंग अडेप्टर और डाटा केबल, बस इतना ही। और कुछ इसके साथ कुछ नहीं मिलता, आप देख सकते हो कुछ भी नहीं है इसके साथ, बिल्कुल खाली। हेडफोन तो मिलता ही नहीं है, मैं जानते हैं आप आजकल। और इसको हम रूट करते हैं, ये देख सकते हैं ये पहले से ही ऑन है क्योंकि मैंने यूज़ किया था। अभी मैं इसको निकाल दिया। इसका स्पेसिफिकेशन, अब इसका फीचर्स के बारे में आप सारे जानते हैं। रेडमी नोट 5 में जो था, रेडमी नोट 5 प्रो में जो था बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस किया गया है। जैसे कि देख सकते हैं अब इधर नॉच है, एक बड़ा सा नॉच दे दिया है, लेकिन फिर भी यार चलो कोई बात नहीं है। इसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं और ये बैक में जो है आप इधर आपको 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल कैमरा मिलती है। इस फ़ोन की प्राइस मेरे को पड़ा 14,999 यानी कि 15,000 रुपये। और 6GB वेरियंट वाला है, 6GB और 64GB वाला। और फ्रंट में जो कैमरा है इसका 20 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का कैमरा है। रेडमी नोट 5 प्रो में एक ही कैमरा था और इसमें दो कैमरा है, 20 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का। वो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, बस कुछ मतलब वो डिस्प्ले में थोड़ा इम्प्रूव किया है। और इसमें आप अगर पानी गिराएंगे ना, छोटी मोटी अगर पानी गिर गए तो वो फ़ोन उतना मतलब ख़राब नहीं होगी, मतलब कि पानी बह जाएगी, पानी नहीं टिकेगी। और इसका कैमरा आप देख सकते हैं, कुछ मैं आपको कैमरा दिखा देता हूँ, कैमरा सैंपल। जैसे कि यहाँ से ही मैं कुछ फ़ोटो क्लिक करता हूँ नॉर्मल मोड में, मैं कोई मोड नहीं दे रहा हूँ, जैसे कि ये हो गया। तो ये मेरा फ्रंट कैमरा ओपन हुआ और मैं अभी एक फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ, जैसे कि ये हो गया। इस फ़ोन में आपको फेस अनलॉक भी मिलती है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं पहले से इसको सेव करके रखा हूँ फेस अनलॉक, और अभी मैं इसको देखो ये करता हूँ, ये देखो अनलॉक हो गया। लेकिन ज़्यादा फास्ट नहीं है, लेकिन सही है, ज़्यादा भी वो नहीं है। देखिए ये देखिए, मैं करता हूँ जैसे मैं वो दिया, फेस अनलॉक हो गया। फिर मैं इसका फिंगरप्रिंट आपको दिखाऊं, तो देखिए आप, ओ देखिए फिंगरप्रिंट भी बहुत फास्ट है। और जैसे कि मैं इससे पहले जो फ़ोन यूज़ कर रहा था उसका अगर फिंगरप्रिंट और इसके साथ अगर कंपेयर करूं मैं, तो आप देख सकते देखेंगे इधर, तो एक साथ मैं क्लिक कर रहा हूं, ठीक है, ओ सॉरी इधर एक साथ मैं क्लिक कर रहा हूं, ये देखिए। और ये अभी अभी ओपन हुआ है, फिर देखना ये देखिए कितना देर बाद ये ओपन होती है। ये मेरा पुराना फ़ोन है कुलपैड नोट 5 का, बहुत ही स्लो चलती है। और ये मेरा नया फ़ोन है रेडमी नोट 6 प्रो, जो कि ये देखिए क्लिक किया मैं, बहुत फास्ट है फिंगरप्रिंट, आप देख सकते हैं बहुत फास्ट है। तो भैया, यूट्यूब की जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ और जो भी मैं आप लोग देखते हैं वीडियो, वो इस मोबाइल से मैं कर रहा था कुलपैड नोट 5 से, लेकिन अब इस फ़ोन से होगी और बहुत जल्द आप लोगों को वीडियो देने की कोशिश भी करूंगा। क्योंकि इस फ़ोन में 6GB रैम है और इस फ़ोन में 4GB का रैम था, लेकिन फिर भी यार मतलब स्लो चल रहा था। और PUBG भी इस फ़ोन में भी ज़्यादा अच्छा चलेगी और इसमें भी थोड़ा थोड़ा हैंग कर रहा था, बट मेरा अच्छा ही चल रहा था। फिर भी इस फ़ोन में और भी अच्छा होगी रेडमी नोट 6 प्रो में। और हाँ, ये फ़ोन क्विक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, लेकिन इसके साथ जो डब्बे में जो चार्जर आती है ये नॉर्मल चार्जर है, इस चार्जर से आप फास्ट चार्जिंग नहीं कर सकते। लेकिन आप एक्स्ट्रा से आप अगर चार्जर लेते हैं फास्ट चार्जर, तो इस फ़ोन में आप ज़्यादा से बहुत जल्द फास्ट चार्जिंग वो मज़ा उठा सकते हैं। लेकिन इसके साथ डब्बे में जो चार्जर आती है ये नॉर्मल चार्जर है। गाइस, आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करना और कमेंट में मुझे ज़रूर बोलना ये फ़ोन का आपको कौन सा चीज़ अच्छा लग रहा है, कैमरा या फिर ये बड़ा नॉच वाला डिस्प्ले।
और हाँ मैं आपको बता दूँ यार, मेरा अनबॉक्सिंग करने का एक्सपीरियंस है नहीं, तो मेरा जितना भी हो सका मेरे से उतना मैं किया अच्छे, मैंने उतना अच्छे करने की कोशिश किया। तो यार एक लाइक जरूर करना और चैनल में तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। और आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और बेल आइकन नहीं प्रेस कर रखा है तो यार बेल आइकन भी दबा दो। तो यार तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।